सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है आजम। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको जो है विंडो एयर कंडीशनर में गैस चार्ज करना जो है वो सिखाया जाएगा। ये वो विंडो एयर कंडीशनर है जिस पर मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें लीकेज जो है वो हमने रिपेयर की थी। सबसे पहले आपको लीकेज रिपेयर बता दूँ कि यहाँ से आपने देखा था कि एक यहाँ से जॉइंट लीकेज था और एक यहाँ से, इन दोनों को मैंने जो है ब्रेजिंग कर दिया है और अच्छे से लीकेज जो है टेस्ट कर ली है। आज हम प्रॉपर इसके ऊपर जो है वीडियो इस टॉपिक के ऊपर हम बना रहे हैं कि इसमें गैस कैसे चार्ज की जाए तो सेफ भी हो, इसमें कोई कंप्रेसर ब्लास्ट या चोकिंग कूलिंग का कोई प्रॉब्लम कुछ भी ना आए, यानी कि अच्छे तरीके से हमारी जो है गैस इसमें चार्ज हो। तो गैस चार्ज करने के लिए हमें अब क्या करना है, सबसे पहले जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने R22 गैस इसमें चार्ज करनी है जो कि यहाँ पर आपके सामने मौजूद है सिलेंडर। ओके, R22 गैस चार्ज करनी है, इसमें जो है लीकेज प्रॉपर टेस्ट हो चुकी है। ओके, लीकेज प्रॉपर टेस्ट हो चुकी है, कहीं से लीकेज नहीं, प्रेशर स्टैंड करके हमने देख लिया है। अभी ये मैंने इसको वैक्यूम किया हुआ है, वैक्यूम बहुत ही ज़रूरी है। वैक्यूम अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जो है इसमें आपको जो है कूलिंग में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और चोकिंग प्रॉब्लम जो है वो इसी की वजह से ही आती है। अभी मैंने इसको जो है प्रॉपर वैक्यूम किया हुआ है। ओके, आप देख सकते हैं, ठीक है, मेरे पास हाई प्रेशर गेज थी तो इससे मैंने वैक्यूम किया है जो कि बिल्कुल प्रॉपर वैक्यूम है। ओके, तो वैक्यूम जो है वो बहुत ज़रूरी है। वैक्यूम पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ वैक्यूम कैसे किया जाता है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वैक्यूम करना सीख सकते हैं। वैक्यूम करने के बाद अब हमने किस चीज़ को फॉलो करना है, कोशिश करें कि आप जब भी गैस चार्ज करें आप जो है इसकी कुछ डिटेल जो है वो आप ज़रूर यहाँ से देखें, जैसे कि यहाँ पर इसकी डिटेल लिखी हुई है। ओके, यहीं कहीं पर लिखा होगा इसमें कौन सी गैस चार्ज होती है। ओके, इसमें जो है R22 गैस चार्ज होती है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर आपको वेट भी जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है R22 रेफ्रिजरेंट R22। ओके, 980 आगे ग्राम, ठीक है, यानी कि तकरीबन मैक्सिमम 1 किलो इसमें गैस जो है वो चार्ज होगी, 980। वेट मशीन है आपके पास तो आप इसको फॉलो करें कि वेट मशीन के साथ ही आप जो है गैस चार्ज करें। और अब बात आती है लिक्विड में चार्ज करें या वेपर में चार्ज करें, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे दोस्त जो है वो सवाल पूछते भी हैं। अब किस तरह इसमें हमने गैस जो है वो चार्ज करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने अगर लिक्विड चार्ज करनी है, ओके, लिक्विड इसके ऊपर डिटेल में लिखा होता है कि लिक्विड जो है अप करेंगे तो वेपर जाएगी और अगर आप डाउन करेंगे इसको उल्टा करेंगे तो लिक्विड जाएगा, ऊपर लिखा होता है। तो लिक्विड में अगर आपने चार्ज करनी है तो आप कोशिश करें एसी को ऑफ करें, वेट मशीन के साथ इसका वेट करें और जितनी जा सकती है गैस, 1 किलो चाहिए इसमें गैस तो आप मैक्सिमम 1 किलो अगर जाती है तो 1 किलो, नहीं तो 400, 300, 200 जितने ग्राम भी जा सकती है आप लिक्विड में चार्ज करें इसको ऑफ रखकर ही, ठीक है। तो अगर आप इसको ऑफ रखकर चार्ज करेंगे लिक्विड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में आप थोड़ी बहुत गैस चार्ज जब इसको ऑन करेंगे रनिंग में जो रह जाएगी वो आप वेपर चार्ज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने ही जो है इसमें लिक्विड पहले चार्ज कर लेता हूं। और गैस चार्ज करने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप वेट मशीन के साथ नहीं चार्ज कर रहे हैं, कह लें किसी वजह से आपके पास वेट मशीन नहीं है तो आप अब वैसे ही चार्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फॉलो करना होता है इसके PSI प्रेशर को, ठीक है, प्रेशर को, और साथ में आपको जो है फॉलो करना है इसको इसके अम्पेयर्स को। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अम्पेयर आपको देखने को मिलेंगे, करंट अम्पेयर को आपने फॉलो करना है, करंट अम्पेयर, ठीक है, सेकंड ऑप्शन करंट अम्पेयर लिखा हुआ है 9.3 मैक्सिमम जो है 9.3 से 9.8 कह लेंगे, 9 और 10 के दरमियान में इसके जो है अम्पेयर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 10 तक इसके अम्पेयर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। तो उसके बाद प्रेशर कितना होना चाहिए वो 65 या 70 PSI इसका होना चाहिए और आपको यहीं से कूलिंग से बाकी पता चल जाएगा कि इसमें आइसिंग वगैरह बिल्कुल नहीं आ रही होगी और परफेक्ट कूलिंग करेगा। तो अभी मैं आपके सामने बिल्कुल इसी तरह से जो है अम्पेयर्स को फॉलो करता हुआ और इसका जो प्रेशर है रनिंग प्रेशर को फॉलो करते हुए इसमें हम गैस चार्ज करेंगे। अगर लिक्विड मैंने चार्ज करना है तो पहले मैं लिक्विड वैसे ही जितना जा सकता है वो मैं चार्ज कर देता हूँ। ओके, तो अभी चार्ज कर रहे हैं, इसमें वैक्यूम मैंने किया है, वैक्यूम वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। तो इसमें प्रॉपर जो है लाइन एक इन है और जो इन जो है वो यहाँ पर आपके सामने मैंने लगा दी और जिसमें गैस जो है अभी आपके सामने चार्ज होगी। गेज हमने ओपन करनी है, लेकिन ओपन करने से पहले मैं इसको ओपन करता हूँ और वहाँ से जो है इसमें लाइन में अभी मौजूद एयर है वो जो है हम थोड़ी सी निकाल देते हैं।
ओके, सिलेंडर को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने जो है यहाँ से थोड़ी सी लाइन जो है इसको आपने लूज़ करना है। इस लाइन को आप लूज़ करेंगे, यहाँ से जो है एयर जो है गैस के ज़रिए से प्रेशर से निकल जाएगी। ओके, तो आप थोड़ी सी ऐसे गैस जो है यहाँ से वेस्ट करें। ओके, यहाँ से जितनी हो सकती है वेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो बहुत है लाइन में से जो है एयर यहाँ से। ओके, तो ये हमने अच्छे से इसको कंप्लीट कर लिया। ओके, ये लाजमी आप किया करें, लाइन में जो एयर होती है वो आसानी से निकल जाए। अब मैं गेज ओपन कर लेता हूँ। गैस चार्ज होना स्टार्ट हो चुकी है, एसी बंद है आपका और गैस स्टार्ट है। अभी मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ और लिक्विड जो है वो अभी इसमें चार्ज होगा। ओके, अभी मैंने इसको उल्टा किया हुआ है और इसमें जो है लिक्विड चार्ज हो रहा है अभी इस वक्त। ओके, सिलेंडर को उल्टा किया हुआ है और लिक्विड अभी जा रहा है, तो लिक्विड जितना जा सकता है मैं इसमें पहले चार्ज कर देता हूँ। वेट मशीन होगी तो उसमें आपको चार्ज करना भी इजी होगा और परफेक्ट चार्ज भी हो जाएगी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं बनेगी। अगर वेट मशीन नहीं है तो आपको अम्पेयर्स और प्रेशर फॉलो करना है। अगर लिक्विड चार्ज करना है तो आप बेहतर कोशिश करें कि एसी को ऑफ रखें, लिक्विड चार्ज करें, बाद में जो है आप गैस चार्ज करें। ओके, अभी मैं गैस जो है सिलेंडर ऑफ कर देता हूँ। ओके, अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी स्टैंडिंग प्रेशर जो है, अभी बिल्कुल स्टैंडिंग प्रेशर वो है हमारे पास 150 PSI। मैक्सिमम इसका होता है 150 से 200 के से नीचे ही होता है, कह लें कि 170, 175, 160 के आसपास ही होता है। 150 मैक्सिमम, 150 से 170 के आसपास होता है। तो कह लें कि मैक्सिमम इसमें गैस जो है वो चार्ज हो चुकी है, मतलब कि जितनी जानी थी वो इसमें चली गई। अब अगर थोड़ी बहुत कम करनी है या इसमें और चार्ज करनी है, वो प्रॉपर हम इसको ऑन करके 5-10 मिनट टेस्ट करके फिर कंफर्म होगा कि इसमें की गैस जो है वो थोड़ी और चार्ज होनी है, नहीं होनी, अम्पेयर देखकर। तो बाकी जो है हम इसको भी एसी को ऑन कर लेते हैं और बाकी जो है हम इसको प्रॉपर टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो सप्लाई मैंने इसकी ऑन कर दी है, अभी रेडी है, अभी सिर्फ हमने इसको ऑन करना है। प्रेशर अभी 150 से ऊपर ही है, 160 के आसपास आ चुका है लगभग। तो अभी हमने इसको ऑन करना है और प्रॉपर जो है इसको सिर्फ टेस्ट हमने कर रहा है। ओके, तो इसको ऑन करने के लिए अभी जो है मैंने थर्मोस्टेट मैक्सिमम फुल कर दी है ताकि ट्रिप ना हो, क्योंकि अभी हमने गैस चार्ज करनी है। और दूसरे नंबर पर जो है हम अभी इसको ऑन कर लेते हैं अभी। ओके, अभी ओनली जो है फ़ैन ऑन हुआ है, ओनली फ़ैन, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। ओके, कंप्रेसर ऑन हो चुका है, अभी हम इसके एम्पेयर भी देखेंगे। और यहाँ से जो है इसका प्रेशर अगर आप नोट करें तो आपको नीचे की तरफ आते हुए देखने को मिलेगा प्रेशर इसका, ठीक है। अभी थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर रनिंग में आने के फौरी बाद जो है ये प्रेशर खुद ब खुद ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, अभी थोड़ा वेट करेंगे, हमें वेट करना होगा ताकि प्रॉपर रनिंग में पहले आए एसी, फिर हम इसका प्रेशर जो है वो टेस्ट करें। मैक्सिमम 5-10 मिनट हम इसको टेस्ट करेंगे, फिर कन्फर्म होगा कि इसमें गैस और मज़ीद चाहिए या नहीं। ओके, तो अभी मैं 5 मिनट वेट करने के बाद जो है यहाँ पर अब आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इसकी ग्रिल लगा दी है, इसमें फ़िल्टर मौजूद है ताकि जो है अभी प्रॉपर जो है हमें रिस्पांस मिले इसका। तो यहाँ पर आप प्रेशर इसका नोट कर सकते हैं। ओके, अभी 55-50 लगभग PSI प्रेशर है इसमें। इसके अम्पेयर अगर हम टेस्ट करें, ओके, तो अगर इसके मैं अभी अम्पेयर अगर आपको दिखाऊँ तो इसकी वायर पर लगा कर इसके अम्पेयर आप देख सकते हैं, मैक्सिमम जो है 9 से 10 के दरमियान में ही है, यानी कि 9.5 से ऊपर ही हैं इसके अम्पेयर। तो यानी कि अम्पेयर सही ले रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। तो इसमें मज़ीद हल्की सी गैस अगर चार्ज करना चाहें तो हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी 55 प्रेशर है, या फिर हमें वेट करना चाहिए खुद ब खुद जो है अभी थोड़ी देर बाद थोड़ा प्रेशर जो है इसका बढ़ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इसमें हमें सिर्फ 5-10 PSI प्रेशर चार्ज करना है। और अभी कूलिंग भी परफेक्ट कर रहा है, तो मतलब कि इसकी गैस जो है हमने वो मुकम्मल चार्ज कर दी। तो थोड़ी सी अगर हम गैस चार्ज करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। मैं हल्की सी गैस चार्ज कर लेता हूँ। ओके, ज़्यादा गैस चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एम्पेयर भी ठीक है और कूलिंग भी अभी यहाँ पर हमें बिल्कुल सही देखने को मिल रही है। तो आई होप कि आपको वीडियो मुकम्मल ज़बरदस्त लगी होगी, इसमें आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे जो है विंडो एयर कंडीशन में हमें गैस चार्ज करनी चाहिए और कैसे वैक्यूम हमने करना है। वैक्यूम की वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको मुकम्मल समझ सकते हैं कि कैसे वैक्यूम किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके। तो लाइक ज़रूर करना यार, वीडियो को लाइक आप ज़रूर किया करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।